गौशाला किस तरीके से यहाँ पालन होता है, पशुपालन और देखभाली कैसे होती है, तो आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल में देखो यहाँ बने बहुत जंगल ही जंगल है इधर, बहुत ही देखो झाड़ी वगैरह है येरी। और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं है, क्या होता है, मतलब दिखाने वाले हैं जो भी सिस्टम होने वाला है। तो दिखाते हैं आपको, आज सुबह के बजे हैं 8 और आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है आगे। तो बने रहें इस ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे गौशाला में क्या क्या होता है, क्या होने वाला है, कैसे खुलाई पुलाई होती है, क्या रखा जाता है, क्या नहीं, तो आपको दिखाते हैं। चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं जंगल, दिखाते हैं कितना है कितना नहीं। यहाँ वन है बहुत बड़ा, घूमने के लिए आ सकते हैं, देखें बढ़िया है। तो आपको दिखाते हैं आगे, तो बने रहें इस ब्लॉग में, चले आगे। तो भाई देख सकते हैं वो बड़ा डोर, देखिए रोज के मरते हैं यहाँ। तो गाइज देखिए यहाँ से वहाँ तक की सब दूर दूर तक बहुत ही झाड़ी वगैरह है यहाँ। ये देखिए सब है झाड़ियाँ बहुत, इधर अंदर जाओगे तो सब मिला कीड़ा मकोड़ा जो भी है। और ये ग्राउंड है, यहाँ ढोर वगैरह फिरते हैं, डंगर जो भी हैं, गाय पशु वगैरह सब। ये है बहुत बड़ा ग्राउंड। और देखिए ये है इधर, इधर है दूर तक जहाँ तक देखोगे, हाँ ये सब ग्राउंड बना रखा है ये घूमने फिरने के लिए, जो पशु आराम से घूम सके। और आपको दिखाते हैं, शायद आपको दिख रहे हो या नहीं, घूम भी रहे हैं शायद, दिखता है नहीं, देखो खड़ा होगा, आपको दिख रहा नज़र आ रहा होगा, वो रहा बहुत, मतलब घूम रहे हैं। उधर भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो सही से, तो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कहेंगे दिखाया नहीं, तो हम आपको दिखा देते हैं। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो आप तो भाई देख सकते हैं, आपको दिखाई दें तो देखिए मेरे पशु घूम रहे हैं उधर, जो भी घास वगैरह खा लेते हैं ऐसे घूमते रहते हैं। पर आप ये एक तालाब बना रखा है पानी वानी पीने के लिए इनके। और भाई जैसी भी देखभाली हो जाए तो ठीक है, पर मरते बहुत हैं पशु, रोज़ का एक ना एक तो ज़रूर ही जाता है, बहुत ही बेकदरी भी है यार, पर क्या करें, जैसा भी है ठीक है, पर देखभाल अच्छी करनी चाहिए। तो आपको दिखाते हैं कहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, अभी फ़िलहाल में एक ग्राउंड ही है या घूमते हैं, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बहुत अब चलेंगे हम आगे दिखाएंगे आपको, तो बने रहें इस ब्लॉग में, चलते हैं आगे कहाँ देखते हैं चल के। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये है भैया, वैसे तो काफ़ी जगह है घूमने फिरने के लिए, पशु आराम से घूम सकता है, टहल सकता है, पर देखा भाली शायद गौशालों में अच्छा नहीं होता है, बहुत ही पशु मरते हैं, मतलब रोज का दो चार तो कुछ नहीं, मरते ही मरते हैं। ये बच्चा इस पे उठा नहीं जा रहा, ये बैठा ही है, बहुत ही बुरी गंभीर हालत में है ये। बहुत ही जगह है शानदार वैसे घूमने फिरने के लिए, तो घूम आराम से घूम सकता है पशु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये आ गए हम पशु जहाँ बंधते हैं, जहाँ इनको चारा वगैरह मिलता है, तो देख सकते हैं आप इसे, ये है अखोर, अखोर है ये, अखोर ये देखिए, सूखा भूस पड़ा है यहाँ, बस यही चारा मिलता है, इसीलिए मरते हैं यहाँ
जो भी मरते हैं, ढोर वगैरह यही मरते हैं। तो भाई सबको खाना पूरा नहीं मिल पाता अच्छे तरीके से, सब तो इसलिए मरते हैं। आपको दिखाएंगे, एक तो मरा पड़ा है, उसको भी फेंक रखा है इधर, दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल में दिखा देते हैं, ये सब पशु हैं। गाइस आपको हमने अंदर दिखाया क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ था। तो ये है गेट, गौशाला का। देखो निकल चुके हम। तो गाइस हम आपको दिखाए थे क्या क्या करा है यहाँ, क्या क्या होता है। पर गलती जो लोग रहते हैं उनकी भी नहीं है, क्यों, उनको भी 2-4 हज़ार, 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं तो क्या कर लेंगे। खाना होता है अपना और भैया खर्चा घर का नहीं चल पाता है। तो भाई गौशाला में तो बेकदरी ही रहती है, पशुपालन तो कहाँ होता है। सब रोज़ मरते हैं, कितना मरता है पता नहीं। सूखा भूस खाते हैं, बताओ क्या करेगा आदमी, क्या कर लेगा। खूब करता है पर कहाँ तक बचाएगा, उसमें 2-4 आदमी क्या कर लेंगे, इतने पशु रहते हैं जब। तो ये सोचने वाली बात है, नुकसान तो है ही भाई, बहुत ही नुकसान है भैया, पाप दे रहे हैं सिर पर। तो क्या करेंगे बताओ यार, पशुओं का बहुत ज़्यादा पाप चल रहा है ये। और रोडों पर तो इतने मिलते हैं यार, रोज़ की जगह कितने तो आदमी मरते हैं, कितने पशु मरते हैं पता ना उनके चक्कर में। तो भाई जो भी ड्राइवर आदमी है नहीं है तो देख कर चला करें गाड़ी, बहुत ही पशु मिलते हैं सड़कों पर खड़े हुए। तो बचें इनसे भाई और बचाएं सब भैया, सबको प्यारी ज़िंदगी। तो भैया जिए और मौका भी दे जीने किसी को। तो गाइस आपको और कुछ दिखाएंगे, जो भी नया होगा तो ब्लॉग मिलेगा आपको, जो भी नया होगा वो फिर बनेगा ब्लॉग। तो आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, तो इस ब्लॉग को पूरा देखें और ब्लॉग में बने रहें।